मानव भूगोल चैप्टर अपना चल रहा था। अब उसका अगला टॉपिक जो है वो है मानव भूगोल की प्रकृति, यानी इसके अंतर्गत अपन किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं उस चीज़ पे आज अपन चर्चा करने वाले हैं। मानव भूगोल की प्रकृति, यानी प्रसिद्ध भूगोलविदा जो थे जीन ब्रूंस, इन्होंने बताया कि जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमत से, यानी अर्थशास्त्र में अपन कीमत से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं, भूगर्भ शास्त्र में चट्टानों से संबंधित तथ्यों का अध्ययन करते हैं, वनस्पति शास्त्र में पौधों से संबंधित तथ्यों का, मानव विज्ञान में जाति प्रजातियों के बारे में अध्ययन करते हैं और इतिहास में समय से संबंधित चीज़ों का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार मानव भूगोल में अपन जो है स्थान को केंद्र बिंदु मानते हैं। प्लेस जो होता है स्थान, उसको अपन केंद्र बिंदु यानी कि मेन बिंदु मान करके है अपन उसका अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति में क्या बताया गया है कि इसमें मानव भूगोल में मानवीय क्रियाकलाप जो होते हैं, काम काज जो होते हैं उनको केंद्र स्थान दिया गया है कि मनुष्य कोई भी काम करता है, कोई भी कार्य करता है उसमें उन सबको अपन जो है मानव भूगोल की प्रकृति के अंदर रखते हैं। मानव भूगोल की प्रकृति निर्भर करती है कुछ प्रश्नों पर ही, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मानव भूगोल में, उन प्रश्नों के उत्तर खोजना ही मानव भूगोल की प्रकृति का विशेष क्षेत्र माना गया है। प्रश्न कौन कौन से होते हैं मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत जो है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, इन सभी तथ्यों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों के उत्तरों को जानना, उनकी खोज करना, वो सब मानव भूगोल की जो है प्रकृति के अंतर्गत ही आता है। तो ये हुई मानव भूगोल की प्रकृति के अंतर्गत, यानी इसमें मानवीय व्यवसाय को केंद्र बिंदु मानते हुए स्थान को सर्वप्रथम सर्वोपरि स्थान दिया गया है, सबसे ऊपर जो है स्थान को माना गया है। उस स्थान पर मानवीय व्यवसाय जो हो रहे हैं, कामकाज जो हो रहे हैं उनमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे आदि से संबंधित प्रश्नों का जाना जाता है, फिर उनके उत्तरों को खोजा जाता है। ये सब क्या है मानव भूगोल की प्रकृति मानी गई है, इसमें दर्शाया गया है। ये हो गए मानव भूगोल की प्रकृति। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र, यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है इनमें किन किन सब्जेक्ट मैटर को शामिल किया जाता है, किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, विशेष क्षेत्र। अब मानव भूगोल की बात करें तो इसका विशेष क्षेत्र बहुत व्यापक है, यानी इसमें मैंने शुरू में बताया था कि मानव भूगोल में मानवीय तथ्यों से संबंधित सभी तथ्यों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अब मानवीय तथ्य बहुत सारे हैं, इसीलिए मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र भी व्यापक है। ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो एक मनुष्य से जुड़ी हुई है, ऐसे कौन कौन से तथ्य हैं जिनका संबंध मानव से है, उन सभी का अध्ययन करना जो है मानव भूगोल का विशेष क्षेत्र कहलाएगा। अब कुछ बिंदु लिख रहे हैं जिसमें मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र को पढ़ेंगे। पहला है मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र जनसंख्या के संदर्भ में, क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या के संदर्भ में। अब जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या भी मानव से जुड़ी हुई एक तथ्य है, इनमें किन किन चीज़ों का अध्ययन कर सकते हैं अपन जनसंख्या के अंतर्गत, जनसंख्या के प्रारूप को, यानी कि कहाँ पर जनसंख्या फैली हुई है, कहाँ कितनी है, कहाँ कम है, जनसंख्या के घनत्व को, लिंगानुपात को, ये साक्षरता को, ये सारी चीज़ें प्रारूप के अंतर्गत आएगी। इसके अलावा अपन प्रवास क्या होता है, माइग्रेशन, यानी एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना प्रवास, उससे संबंधित तथ्यों का भी अपन अध्ययन कर सकते हैं। इसमें आता है फिर अधिवास, इससे पहले अपन ने जो पढ़ा था ह्यूमन सेटलमेंट, मानव अधिवास, मनुष्य है अलग अलग प्रकार के नगरों में, ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर वहाँ निवास करता है, तो इन सब पर तथ्य जो इन सभी तथ्यों से जुड़े हुए जिनका अध्ययन अपन करते हैं वो जनसंख्या के अंतर्गत इसको रख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है प्राकृतिक संसाधनों से जुड़े हुए सारे तथ्यों का भी अध्ययन जो है मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत अपन करते हैं। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, एक होता है मानवीय और दूसरा होता है प्राकृतिक। वे सभी स्रोत जो हमें प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, जिन्हें प्रकृति द्वारा अपने प्रदान किए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं, प्राकृतिक संसाधन। जैसे जल हो गया, वायु हो गया, वन हो गया, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं, मृदा, वन, सब किसके अंतर्गत आते हैं, प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत। तो प्राकृतिक संसाधनों के अंतर्गत में जो है वन, जल, मृदा, हवा, इन सभी तथ्यों का अध्ययन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है मानवीय भूगोल के विशेष क्षेत्र में सांस्कृतिक वातावरण से संबंधित तथ्यों का अध्ययन भी अपन यहाँ मानव भूगोल में करते हैं। सांस्कृतिक वातावरण में क्या हो गया, अपना रहन सहन हो गया, अपना खान पान हो गया, ये अपने परिवहन के साधन हो गए, जीविका संसाधन, जीने के जो साधन है उनके बारे में हो गया, जीव जंतु की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती है इस धरातल पे, वो हो गया, तो ये सब जो है सांस्कृतिक वातावरण के अंतर्गत अपन इनका अध्ययन करेंगे। फिर बात करते हैं नियोजन प्लानिंग, इसको बोलते हैं, क्या होता है नियोजन,
आजकल इंसान जो होता है, हर इंसान जो होता है अपने किसी भी काम को करने से पहले उसका नियोजन करता है, उसकी प्लानिंग करता है कि मुझे इस काम को कब शुरू करना है, कैसे इसको आगे बढ़ाना है और कैसे इसको खत्म करना है, इसका परिणाम क्या होगा, ये सारी प्लानिंग वो पहले करके चलता है। उसी प्रकार मानव भूगोल में भी क्या होता है, जितने भी पूरे धरातल पर जितनी गतिविधियाँ हो रही हैं उनसे संबंधित सभी तथ्यों की पहले प्लानिंग की जाती है, उसके अनुसार जो है मनुष्य आगे अपने कार्यों को अंजाम देता हुआ जाता है। तो ये सब नियोजन के अंतर्गत अपन पढ़ेंगे। फिर बात करते हैं मानव भूगोल का संबंध कुछ अन्य प्रदेशों से भी है, जैसे आर्थिक प्रदेश हो गए, फिर या फिर राजनीतिक क्षेत्र हो गए, या सांस्कृतिक क्षेत्र हो गए, ऐतिहासिक क्षेत्र हो गए, इन सबके साथ भी मानवीय भूगोल के विशेष क्षेत्र का जो है संबंध माना जाता है। ये हो गए मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के अंतर्गत। ये अपना दूसरा टॉपिक खत्म हो गया। अब एक विचारधारा के बारे में अपन जानते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, नियतिवाद और संभववाद। फिर नई विचारधारा एक और आई को है नवनियतिवाद। ये तीन विचारधाराएं क्या है इनके बारे में संक्षिप्त जानकारी रखना जरूरी है, क्योंकि आगे नंबर का प्रश्न इस पर बन सकता है। तो क्या है नियतिवाद, क्या है संभववाद, क्या है नवनियतिवाद। नियतिवाद और संभववाद जो दोनों विचारधारा है वो फ्रेडरिक हेगेल ने जो है अपने द्वारा दी गई थी। फ्रेडरिक हेगेल का नाम लेते हैं आपको याद होगा, फादर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल के क्या है जनक, जिन्होंने मानव भूगोल को बनाया। इन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब का नाम भी मैंने बताया था क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी, जिसमें उन्होंने मानव भूगोल से संबंधित तथ्यों का और अपनी परिभाषाओं का उसमें पूरा वर्णन किया है। अब नियतिवाद क्या है फ्रेडरिक हेगेल के अनुसार, नियतिवाद वो है जिसमें सब ज्यादातर प्रभावी जो है प्रकृति को प्रभावी माना जाता है, यानी अपन वातावरण में रह रहे, पृथ्वी पे रह रहे, उसमें अपने से ज्यादा प्रभाव किसका है, प्रकृति का, यानी प्रकृति जो कहेगी वो ही मनुष्य को करना पड़ेगा, अपन प्रकृति के खिलाफ जाकर के काम नहीं कर सकते, यानी प्रकृति के अनुसार चलना ही क्या है नियतिवाद है। संभववाद क्या है, इसमें प्रकृति को ज्यादा प्रभावी न मान करके मानव को क्या माना है, ज्यादा प्रभावी माना है, क्या माना है मनुष्य को इसमें ज्यादा प्रभावी माना है। तो नियतिवाद में प्रकृति को और संभववाद में मानव को ज्यादा प्रभावी माना है, यानी एक मनुष्य जब तक चाहे अपना जो है प्रकृति का विदोहन करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, उसको प्रकृति की कोई रोक टोक नहीं है, जबकि नियतिवाद में प्रकृति जो चाहेगी वही मनुष्य कर सकता है, इससे हट करके मनुष्य अपने इच्छा अनुसार कोई कुछ कार्य कर नहीं सकता है। अब इन दोनों से हट करके 21वीं सदी में जो भी चल रही है उसमें एक इन दोनों को मिला करके नई विचारधारा बनाई गई थी, उसका नाम दिया गया नवनियतिवाद विचारधारा। क्या नाम है, नवनियतिवाद विचारधारा, जो 21वीं सदी में इसका जो है उद्भव हुआ था। इनके प्रवर्तक यानी इस विचारधारा को देने वाले जन्मकर्ता जो है वो है विक्टर टेलर। प्रश्न पूछ सकता है नवनियतिवाद की प्रवर्तक, नवनियतिवाद के जनक कौन है, वो है विक्टर टेलर। इन्होंने नवनियतिवाद की विचारधारा 21वीं सदी में दी थी। नवनियतिवाद क्या है, इसका संक्षिप्त अर्थ होता है रुको और जाओ, रुको और जाओ। अभी मैंने बताया कि नियतिवाद और संभववाद को दोनों को मिला करके ही तीसरी विचारधारा बनाई गई थी, किसने गिफ्टी टेलर ने, नवनियतिवाद, यानी रुको और जाओ, प्रकृति और मानव दोनों को मिला दिया इसमें, कि प्रकृति जब तक मनुष्य को अलाउ करती है कि आप मेरा संशोधन कर सकते हो, मेरा उपयोग कर सकते हो, तब तक वो अपना विकास उसके सहारे ले सकता है, यानी प्रकृति और मनुष्य दोनों को का समायोजन करके ही अपना विकास करना, मानव अपना विकास करता है, वही क्या है नवनियतिवाद विचारधारा है। क्या है नवनियतिवाद विचारधारा। तो इसके प्रवर्तक कौन है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। ये हो गई अपने विचारधारा भी हो गई, इससे पहले मैंने बता दिया मानव भूगोल की प्रकृति भी हो गई, मानव भूगोल के विशेष क्षेत्र के बारे में जान लिया। अब बचा हुआ मानव भूगोल का विकास, आखिरी जो टॉपिक होगा अपने चैप्टर का, वो अपन इस वीडियो के अगले पार्ट में जानेंगे, तो बताएंगे उसमें बताएंगे।